किस शूटिंग हो रही है और कौन से स्टार कास्ट इस फिल्म में कास्ट करना पड़ेगा? जी, ये फिल्म का नाम है गड़बड़ जारी और मैं डायरेक्टर और राइटर संतराम और इसमें राजेश सिंगापुरी जी, नेहा गदरे और विकास पाटिल, उषा नाडकर्णी जी, मोहन जोशी, हर्षा गुप्ते, संजय मोहिते और इस तरह से हमने कास्टिंग की है। तो सब अच्छा, चलो विषय क्या है इस फिल्म का, क्या कहने की कोशिश की फिल्म के माध्यम से? इस फिल्म से मैं एक तो पहले तो रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, इस कॉमेडी के जरिए हम लोगों को एक मैसेज देना ही चाह रहे हैं कि आज के ज़माने में लड़कियां ज़्यादातर भाग के शादी कर रही हैं, लव मैरिज, बट सक्सेस 90% नहीं होता, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं सक्सेस होता है, ये सब हम बताने की कोशिश की है, बट उसको हम कॉमेडी के माध्यम से। आज क्या सीन चल रहा था वो? हाँ, आज का सीन ये था कि एक डॉक्टर है, हाँ, वो उसको लेके जा रहा है उसका नौकर, बट उसकी गाड़ी से उल्टी जा रही है। बोले उल्टी क्यों? बोला जमाना उल्टा हो गया इसलिए गाड़ी उल्टी जा रही है। तो गड़बड़ जाली कहाँ से? हाँ, तो वहीं से यार, गड़बड़ जाली तो इसमें आप लोग पिक्चर देखिएगा, बाकी हमारे दोस्त लोग, तो उससे पता चलेगा कि हाँ गड़बड़ जाली क्या क्या हुआ है, कि एक लड़का को क्या प्रॉब्लम होती है और लड़की अगर भागती है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में मराठी फिल्म जो बन रही है, कंटेंट काफ़ी अच्छा है, लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये फिल्म बनाना? मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत, और मुझे सबसे अच्छी खुशी की बात कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट मिले बड़े कोऑपरेटिव मिले हैं, बहुत अच्छे, और वो लोग काफ़ी हमारा सहयोग कर रहे हैं, और मराठी का तो बहुत ही बड़ा, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ हिंदी के बाद अगर देखा जाए तो मराठी का बहुत अच्छा है, वो ऑस्कर तक गई है फिल्में, ये हमारे लिए मराठियों की बहुत खुशी की बात है, और हम भी चाह रहे हैं कि कुछ इसी तरह से अच्छी फिल्म बनाएं और अच्छी करें। तो इस फिल्म को पहले हाँ नहीं, मैंने तो भोजपुरी किया है, हिंदी किया है, काफ़ी सीरियल्स किए हैं, बाकी सचिन जी का मैं असिस्टेंट रहा हूँ, सचिन जी पिलगांव का जी, यहाँ मराठी के सुपरस्टार। तो ये बताइए, मराठी फिल्म मतलब लैंग्वेज अलग है, आप कहाँ, आप नॉर्थ के हैं, तो ये मराठी फिल्म जो डायरेक्ट कर रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए, भी एक उपलब्धि है क्योंकि मराठी फिल्म मराठी लैंग्वेज में डायरेक्ट करना काफ़ी बड़ा? यस, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, यूँ बोलिए सचिन जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद समझिए, सचिन जी मराठी होते हुए भोजपुरी के स्टार थे, सुपरस्टार थे, मंदिर पास जैसे सुपरहिट फिल्में दी हैं, मैं उनका असिस्टेंट रह के मैं भी उनकी कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जैसा कॉमेडी फिल्म बनाऊँ, उनकी तरह से अच्छी फिल्में बनाऊँ, अच्छा, उनकी कोशिश में हूँ। और आखिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में किस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, या और अब डायरेक्टर हैं तो कैसे सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो भी सामाजिक फिल्में होती है टैक्स फ्री कर दी जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी बात है, मराठी स्पेशली मराठी की हम देखते हैं कि लगभग सारी फिल्मों को सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है, ये बहुत ही अच्छी बात है, और इससे क्या है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सबके मनोबल बढ़ते हैं, आर्टिस्टों के मनोबल बढ़ते हैं, अदरवाइज अगर सब्सिडी या फिर गवर्नमेंट हेल्प ना करे तो काफ़ी कुछ नीचे हो जाएगा। थैंक्स।